जो दिनांक 5 अप्रैल 2022 को इंद्री थाने में 255 नंबर FIR धारा 365 IPC के तहत दर्ज करी थी। इसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी अगले दिन सुबह वहीं गांव में ही एक टीन शेड से बरामद हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में हमने जांच आगे बढ़ाई। पहले जिन व्यक्तियों पर आशंका जाहिर की गई थी उनको भी शामिल जाँच किया गया। दिनांक 9 अप्रैल 2022 को इस मामले में हमने अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। इसके बाद में दो और आरोपियों को हमने 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनको पुलिस रिमांड के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल अभी कस्टडी में भेज दिया गया है। तो किस तरह से सर खुलासा हुआ, काफ़ी प्रेशर था पुलिस के ऊपर, प्रदर्शन भी हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस मामले में जिला पुलिस ने पहले दिन से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि मामले की जो जांच है बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यों के आधारित हो। हमने इस मामले में एक SIT का गठन भी किया था जिसका नेतृत्व ASP इंद्री हिमाद्री कौशिक IPS कर रही थी और साथ में CIA की टीमें भी इसमें इंक्लूड थी। हमने जितने भी मौके से काफ़ी सारे साक्ष्य बरामद किए हैं जो कि आरोपी से जो पूछताछ हुई है उसे मेल खाते हैं। कुछ हमें FSL की रिपोर्ट प्राप्त भी हो चुकी है और जो जांच में बात सामने आई है वो FSL रिपोर्ट से उनकी पुष्टि भी हो रही है। किस तरह से खुलासा हुआ सर, किस चीज़ से हत्या की गई है इसकी? देखिए, जो जांच के दौरान सामने आया है जो चार्जर की जो केबल है उससे हत्या की गई है और इस संबंध में डॉक्टर की ओपिनियन भी प्राप्त की जा चुकी है। तो सर, बार बार भी मानसिक रूप से परेशान थी वो, बार बार कभी कई तरह की दवाई ले रही थी, उसमें क्या निकला सर? देखिए, इस संबंध में हमने जो उनके घर से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं और जिन जिन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चला है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवाया है, उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो एक काफ़ी दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में देंगे। किसी की हत्या के बाद FSL जो सवाल होते हैं, हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की, लेकिन तीनों के जवाब अभी पूरे नहीं हैं क्योंकि पीड़ित परिवार अभी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ 3 महिलाएं इसमें शामिल नहीं है, हत्या की वजह जो है वो सामने नहीं आई है जी। तो ऐसे में कैसा माना जाए कि जाँच पूरी होगी? देखिए, मैंने भी कहा कि जांच अभी मामला जो है वो अनुसंधानाधीन है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो गई, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो जाएगी तब हमने जो भी अभी तक इस मामले में जो जांच की है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम की आरोपी ने हत्या की है और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पर रखा है। जो धनवंती और स्वर्णदेह नाम की जो आरोपी है उन्होंने बॉडी वहाँ से उठा करके दूसरे के टीन शेड पर फेंक दी। तो अभी तक मामले में 3 आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फिर भी अभी अनुसंधानाधीन है, कुछ और रिपोर्ट प्राप्त होने बकाया है और उसके बाद मामला हम कंक्लूड कर हत्या की उस दिन सुसाइड करने का प्रयास किया उसके बाद। देखिए, बात सामने आई है और कुछ जो चैटिंग है व्हाट्सएप की चैटिंग जिसमें भी उसने अपने ऑडियो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग से कुछ कह रखा है कि मैं इस टाइम बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपने पति को भी और साथ में किसी और को भी चैटिंग कर रखी है जिसमें उसने ये कह रखा है कि मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी भेज रखी है, वॉइस रिकॉर्डिंग। भ्रांतियाँ फैली कई तरह की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग तरह की तांत्रिक विद्या को लेकर इस मामले में जो भ्रांतियाँ या जो ऐसी निराधार खबरें फैलाई गई वो बिल्कुल दस्तावेजों से, जो हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। पहले ये भ्रांति फैलाई गई कि जो बच्चे की हत्या है वो लगभग 8 घंटे का पहले की गई है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार क्लियर है कि बच्चे की जो हत्या है वो लगभग 24 घंटे का उसमें समय दिया गया है। दूसरी ये भ्रांति फैलाई गई कि बच्चे के शरीर पे काफ़ी सारी इंजरीज है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज है, वो भी बिल्कुल गलत है। शरीर पे केवल एक इंजरी है और साथ ही जो हत्या है वो गला घोट करके की गई है। जेल में सर किस तरह रहेगा सुरक्षा के लिए, जो आरोपी है जेल में सुरक्षा? देखिए, हमने जो वहाँ के जेल अधीक्षक है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खासतौर पर जो अंजलि नाम की आरोपी है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए। सर, गाँव में किस तरह का माहौल है, जिस तरह बात आ रही थी परिवार के रजिस्टर की बहिष्कार की, तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित की? देखिए, कोई भी पक्ष हो, किसी भी पक्ष की जो सुरक्षा सुनिश्चित करना हो पुलिस का वैधानिक दायित्व है, वो हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गांव में भी अमन शांति बनी रहे, वहां के जो मौजूद लोग हैं वो भी हमारे संपर्क में है, उन्होंने 10 व्यक्ति की कमेटी बनाई थी वो भी हमारे संपर्क में है। यदि उनके किसी प्रकार के और भी डाउट्स होंगे तो वो भी जिला जो जाँच इकाई है हमारी वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कल भी हमारी बात हुई पीड़ित परिवार से, जो इस मामले की शिकायत करता है वो इस जाँच से संतुष्ट नहीं है, या कहें कि जो 3 आरोपी बनाए गए हैं उनको, उनसे अलावा भी उनको शक, उसको लेकर अब क्या करेंगे? देखिए, मैंने उनको हर बार जब भी मेरे पास वो मिले हैं मैंने उनको ये बताने की कोशिश की है कि जिला पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी आरोपी जिसकी जितनी भी भूमिका है कानून के अनुसार जो दंडनीय अपराध बनता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी इनके यदि अभी भी डाउट्स कुछ बचते हैं तो उनको भी हम साक्ष्य के आधार पर और वो भी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर वो डाउट्स हम दूर करने की कोशिश करें। सर, एक कमेटी बनी थी 10 सदस्यों की जो
पंचायत जो थी महा पंचायत उसको संतुष्ट कर पाए हैं अन्य जो समाज के? देखिए 14 अप्रैल को हमारे पास में आई थी कमेटी, आकर के मिली थी, उसमें काफ़ी लोग संतुष्ट भी थे, कुछ के अपने डाउट्स भी थे, वो भी हमने उनको कहा है कि जैसे ही मेरे पास सारी एफएसएल रिपोर्ट्स प्राप्त हो जाएगी हम आपकी वो भी शंकाएँ दूर कर देंगे। तो हम जब भी कमेटी मिलना चाहे, उस दिन भी मैंने शाम को भी बुलाया था, अगर जब भी कमेटी मिलना चाहे वो आ सकते हैं और अपना बातें रख सकते हैं। तो उनको 10 दिन का समय दिया था जी, उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि मामले की जांच जल्दी पूर्ण हो ताकि मामला जल्दी कोर्ट में जाए और जो दोषी है उनको जल्दी सजा मिले। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि अगले 10-15 दिन में, क्योंकि एक हमें जो मेडिकल की जो बोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है या असेसमेंट रिपोर्ट है वो इस मामले में चाहिए, तो 10 से 15 दिन में हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी जाँच कंक्लूड हो जाए। अगर CBI की जाँच की मांग कर रहा था परिवार, वो कैसे देखते हैं सर इसमें? देखिए इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक जाँच जिला पुलिस के पास में है, हम हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मामले की जाँच बिल्कुल सही ढंग से। साइको वाली बात अगर बात सामने आती है तो कोर्ट में उसका केस अपना कमजोर तो नहीं हो जाए? देखिए जितने भी हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम एक डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट करवाएंगे, मेडिकल बोर्ड के सामने में हम सारी चीज़ें रखेंगे। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आरोपी को किसी भी प्रकार का इस प्रकार का लाभ ना मिल पाए।